छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बजट सत्र के दौरान भले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया हो, लेकिन अब केंद्र की ओर से इस पर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य को इस मद में राशि देने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सियासत काफी तेज है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बजट के दौरान प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया था, लेकिन अब इसी फैसले पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल सीएम बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से राज्य में लागू कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य के कर्मचारियों की पेंशन की करीब 17,240 करोड़ रुपए राशि देने की मांग की, लेकिन केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण की ओर से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत काफी गर्माती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के हितों का फैसला है, उनको फायदा होने वाला है, केंद्र सरकार के अभिकरण प्राधिकरण के द्वारा इसको क्यों रोका जा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, माननीय न्यायालय से आदेश होगा। आप कैसे रोक सकते हो कर्मचारियों के पैसे को? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार को समुचित निर्णय लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण के इस फैसले से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आज नहीं तो कल केंद्र को इस राशि को देना पड़ेगा, फिर क्यों ना ही सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़े। इधर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, देश और राज्य संविधान कानून और नियमों से चलता है, ये कोई छत्तीसगढ़ सरकार की तुगलक शाही नहीं है कि जो चाहे वह निर्णय ले लिया। साथ ही उन्होंने राज्य की बघेल सरकार को पलटू सरकार भी करार दिया है। देखिए, वो जाएं सब कुछ करें, केंद्र की सरकार जो भी निर्णय लेती है वो पूरे देश के लिए लेती है। केंद्र की सरकार नियम कायदे कानून और संविधान के अनुसार चलती है, और इसका जो कानून है वो केंद्रीय कानून है, कानून से बाहर जाकर तो कोई निर्णय नहीं कर सकता। राज्य की सरकार तो यहाँ तो चमड़े के सिक्के चलने वाली बात है, तुगलकी शासन है, तो ये लोग कुछ भी निर्णय कर लेंगे, केंद्र की सरकार उसको माने कोई जरूरी थोड़ी है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हुआ, कुछ ऐसे हाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के साथ भी हुआ है। दोनों राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की, लेकिन केंद्रीय पेंशन विकास प्राधिकरण से इस मद में राशि आवंटित नहीं की जा रही है, जिसके बाद इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि कब तक जारी हो पाती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।